हेलो दोस्तों, द आइटिनरेटर में आपका स्वागत है। आज हम दिवे आगर की सैर करेंगे। दिवे आगर भारत के महाराष्ट्र राज्य में रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन तालुका में स्थित एक छोटा सा गांव है। यह क्षेत्र शांतिपूर्ण, स्वच्छ और कम आबादी वाला है। दिवे आगर की टाइम टू टाइम डिटेल्ड आइटिनरी आपके साथ शेयर करके मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा। इस डिटेल्ड आइटिनरी से आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। आपको और कुछ नहीं करना, केवल इस आइटिनरी को पूरा देखकर फॉलो करना है। तो क्या आप तैयार हैं? चलो। दिवे आगर घूमने का सबसे अच्छा मौसम सर्दियों का मौसम है। दिवे आगर नवंबर से फरवरी के महीनों में सर्दियों का अनुभव करता है। तापमान सहज रहता है और दर्शनीय स्थलों के लिए उपयुक्त होता है। अब देखते हैं आपको बैकपैकिंग में कौन सी जरूरी चीजें अपने पास रखनी चाहिए। प्लास्टिक शीट समुन्दर पे नीचे रेत पे बिछाकर आराम से बैठने के काम आएगा। गर्म कपड़े, स्वेटर, थर्मल वगैरह, टोपी, पैक्ड फूड्स, ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट्स, चिक्की, लड्डू, चॉकलेट्स, पानी की बोतलें, मच्छर से बचने के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम वगैरह, सनस्क्रीन, फर्स्ट एड किट, पर्याप्त कैश और बायोडिग्रेडेबल गार्बेज बैग्स। सब कचरा इन बैग्स में जमा करना और कचरा पेटी में ही डालना। दिवे आगर को गंदा मत करना। कोई भी प्रॉब्लम हो या इमरजेंसी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर सेव कर लीजिए। क्या कहा, बैग भर ली, इमरजेंसी नंबर भी सेव कर लिया? चलिए तो आइटिनरी देखते हैं और निकल पड़ते हैं। मुंबई से दिवे आगर के बीच करीबन 215 किलोमीटर का अंतर है, तो वही पुणे से 165 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह 6 बजे मुंबई से हम गाड़ी लेकर दिवे आगर के लिए रवाना होंगे। करीब 7:45 बजे के आसपास 62 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पनवेल के पड़स पे फाटा के नजदीक श्री दत्ता स्नैक्स पे चाय नाश्ता के लिए रुकेंगे। यहाँ पर गर्मा गर्म वड़ा, कोथिंबीर वड़ी, मिसल पाव, साबुदाना खिचड़ी, साबुदाना वड़ा, थाली पीठ और ऐसे एक से एक महाराष्ट्रीय पदार्थ मिलते हैं। पेट पूजा होने के बाद करीबन सुबह 8:30 को हम फिर बढ़ते हैं दिवे आगर की ओर। करीबन 143 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोपहर 12:30 बजे के आसपास हम दिवे आगर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले चलिए हम होटल चलते हैं। दिवे आगर में कमर्शियल होटल से ज्यादा होम स्टेज प्रसिद्ध हैं। सर्विस क्वालिटी और बजट को ध्यान में रखते हुए दोनों कैटेगरी में मैंने कुछ विकल्प शॉर्टलिस्ट किए हैं। होम स्टेज में मुझे हैप्पी डेज होम स्टे और श्रीबाग होम स्टे पसंद आए हैं। यहाँ पर आपको एकदम गांव वाली फीलिंग आएगी। ढेर सारे पेड़, विविध पंछियों की आवाज, शांत, जहां आप सही मायने में रिलैक्स महसूस करेंगे। यहाँ आपको घर में बना कोकणी पद्धति का स्वादिष्ट भोजन मिलने की व्यवस्था है। रिजॉर्ट में मुझे MTDC का एक्सोटिका द बीच रिसोर्ट, एक्सोटिका बीच रिट्रीट और मैत्रेय बीच रिसोर्ट पसंद आए हैं। ये सभी ऑप्शंस बहुत बढ़िया है और तो और इनका खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है। चेक इन करें, फ्रेश हो जाएं और होटल में बने स्वादिष्ट खाने का लुफ्त उठाइए। खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। शाम करीबन 4:30 बजे अब हम चलेंगे दिवे आगर बीच। 15 मिनट के भीतर पहुंच जाएंगे। दिवे आगर बीच एक सुरक्षित, स्वच्छ और सुंदर बीच है। अन्य प्रसिद्ध बीच जैसे अलीबाग, काशीद की तुलना में यहाँ पर कम भीड़ होती है। दिवे आगर बीच की निरंतर बहती शांत लहरें देख मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। यहाँ ढेर सारे वाटर स्पोर्ट्स जैसे बनाना राइड, फैमिली बोट, जेट स्की और पैरासेलिंग इत्यादि उपलब्ध है। इसके अलावा घोड़े और ऊंट की सवारी भी उपलब्ध है। सूर्यास्त तक
दीवे आगर बीच पर मस्त एंजॉय करने के बाद शाम करीबन 7 बजे चलिए अब चलते हैं पास ही में स्थित स्वयं पाटिल खानावळ, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। स्वयं पाटिल खानावळ एक स्थानीय परिवार द्वारा चलाई जा रही छोटी सी मेस है, जो ऑथेंटिक कोकणी खाने के लिए पूरे दीवे आगर में प्रसिद्ध है। इनका स्टाफ भी बहुत प्यारा है। स्वयं पाटिल खानावळ का विविध प्रकार का सी फूड और वेज थाली बहुत प्रसिद्ध है, जरूर ट्राई करें। आपको कोई असुविधा न हो इसीलिए आप इन्हें एडवांस में कॉल कर या दीवे आगर बीच पर जाने से पहले अपनी सीट का रिजर्वेशन जरूर करवा ले। स्वयं पाटिल खानावळ में खाना खाने के बाद हम होटल लौटेंगे, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी काम, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं नई नई आइटिनरी अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। होटल में नाश्ता कर सुबह 9:30 बजे आज हम दिन की पावन शुरुआत करेंगे दीवे आगर के प्रसिद्ध सुवर्ण गणेश के दर्शन के साथ। होटल से हम केवल 15 मिनट के अंदर सुवर्ण गणेश मंदिर पहुंच जाएंगे। सुवर्ण गणेश का इतिहास काफी रोमांचक है। 17 नवंबर 1997 को द्रौपदी पाटिल नामक एक महिला के बगीचे में खुदाई करते समय एक तांबे का बक्सा प्राप्त हुआ। बक्सा काफी प्राचीन लग रहा था। बक्से पर संस्कृत में 10वीं शताब्दी के कुछ शब्द लिखे गए थे। इस घटना ने समस्त दीवे आगर गांव की पूरी जनता को आकर्षित किया। बक्सा दोपहर 12 बजे के दरमियान खोला गया और क्या आश्चर्य, बक्से में भगवान गणेश की 1 किलो 325 ग्राम की शुद्ध 24 कैरेट सोने की एक मूर्ति प्राप्त हुई। मूर्ति के साथ ही बक्से में कुछ स्वर्ण आभूषण भी प्राप्त हुए। एक और आश्चर्य की बात यह है कि 17 नवंबर 1997 को गणेश जी की पावन संकष्ट चतुर्थी थी। ये कोई चमत्कार से कम नहीं। द्रौपदी जी पाटिल का घर भी पासी में है, जहां आप सुवर्ण गणेश के प्रकट स्थान के दर्शन भी कर सकते हैं। सुवर्ण गणेश मूर्ति की फिर स्थापना की गई और एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया गया। लाल पत्थरों से बने इस मंदिर में काफी शांत वातावरण होता है। मंदिर के परिसर में गाड़ी पार्किंग की अच्छी सुविधा है। मंदिर बहुत साफ है। सुवर्ण गणेश मंदिर की ख्याति धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी और दूर दूर से लोग इस अद्भुत गणपति बाप्पा के दर्शन के लिए दीवे आगर पहुंचने लगे। सही मायने में सुवर्ण गणेश मंदिर के कारण ही दीवे आगर नामक एक छोटे से गांव को देश भर में पहचान मिली। इस रोमांचकारी इतिहास के साथ ही 24 मार्च 2012 को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। उस दिन प्रातः काल कुछ चोरों ने छत से टाइलें हटाकर मंदिर में प्रवेश किया और सुवर्ण गणेश जी की मूर्ति और आभूषण चुरा लिए। जब मंदिर में तैनात 2 सुरक्षा गार्डों ने चोरों का विरोध किया तो उन्होंने दोनों गार्डों पर बुरी तरह हमला किया, जिनमें उन दोनों की दुर्भाग्यवश मौत हो गई। इस घटना के विरुद्ध देश भर में प्रतिक्रिया उमटी। कुछ समय पश्चात चोरों को पकड़ा गया। जब पता चला कि उन्होंने 2 सुनारों की सहायता से सुवर्ण गणेश जी की मूर्ति और आभूषण को पिघलाया। फिलहाल मंदिर में पूजा अर्चना हेतु गणेश जी की एक दूसरी मूर्ति की स्थापना की गई है और सुवर्ण गणेश की प्रतिमा दर्शन के लिए लगाई गई है। दर्शन के बाद करीबन सुबह 10:30 बजे अब हम बढ़ते हैं पास ही में स्थित रूप नारायण मंदिर, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। श्री रूप नारायण अर्थात श्री विष्णु नारायण का मूल मंदिर का निर्माण लगभग 1000 साल पहले शिलाहार वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था। शिलाहार वंश के राजाओं ने श्री रूप नारायण को राज्य देवता का स्थान दिया था और स्वयं को भक्ति पूर्वक श्री रूप नारायण नब्दवर प्रसाद की उपाधि दी थी।
श्री रूप नारायण की मूर्ति बहुत सुंदर है और इसे महाराष्ट्र की सबसे सुंदर मूर्तियों में से एक माना जाता है। भगवान विष्णु की मूर्ति को इस तरह से तराशा गया है कि भगवान विष्णु के सभी दशावतार इस सुंदर मूर्ति में देखे जा सकते हैं। मंदिर के परिसर में एक सुंदर कुंड भी है जो हमारा ध्यान आकर्षित करता है। श्री रूप नारायण के दर्शन के बाद सुबह करीबन 11:30 बजे हम बढ़ेंगे उत्तरेश्वर मंदिर की ओर। 15 मिनट के अंदर ही पहुंच जाएंगे। यह प्राचीन मंदिर दिव्य आगर के उत्तरी किनारे पर स्थित है। ये भगवान शिव का मंदिर है। उत्तरेश्वर मंदिर 700 से 800 साल पुराना माना जाता है और इसकी वास्तुकला भी काफी प्रशंसनीय है। श्री उत्तरेश्वर के पावन दर्शन के बाद दोपहर करीबन 12:15 बजे अब हम पेट पूजा की व्यवस्था करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पास ही में स्थित सुहास बापट खानावळ। सुहास बापट खानावळ उत्तरेश्वर मंदिर के एकदम बगल में ही है और यहाँ हम 5 से 10 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। संपूर्ण दिव्य आगर में शाकाहारी भोजन प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। सुहास बापट खानावळ का भोजन सात्विक और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। समग्र व्यवस्था बहुत अच्छी है। नारियल सुपारी के पेड़ों से घिरे इस शाकाहारी मेस में खाना खाना एक सुखद अनुभव है। यहाँ पर थाली सिस्टम होती है और इनकी शाकाहारी थाली का स्वाद चखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। थाली के साथ ही यहाँ आपको उत्तम श्रेणी के चावल के मोदक मिलेंगे। इन मोदक के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। सुहास बापट खानावळ का भोजन बिल्कुल भी मिस न करें। एक बात का विशेष ध्यान रहे कि यहाँ आप एडवांस में बुकिंग के बिना डायरेक्ट नहीं जा सकते। इन्हें एडवांस में कॉल कर अथवा पहले ही जाकर आपको बताना होगा कि कितने लोग खाना खाने आएंगे। खाना खाने के बाद हम होटल लौटेंगे और थोड़ी देर आराम करेंगे। करीबन दोपहर 4:30 बजे हम बढ़ेंगे वेळास आगर बीच। वेळास आगर बीच वेळास आगर नामक गांव में है जो दिव्य आगर के उत्तर में करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आधे घंटे में करीबन 5:00 बजे पहुंच जाएंगे। वेळास टर्टल फेस्टिवल काफी प्रसिद्ध है। ध्यान रहे ये वो वेळास बीच नहीं है, ये वेळास आगर बीच है। टर्टल फेस्टिवल के लिए जो वेळास बीच प्रसिद्ध है वो हरिहरेश्वर के दक्षिण में स्थित है। काफी सारे सब्सक्राइबर्स ने हरिहरेश्वर की आइटिनरी रिक्वेस्ट की है, मैं वो जल्द ही बनाऊंगा, तब हम टर्टल फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध वेळास बीच कवर करेंगे। वेळास आगर बीच कम ज्ञात होने के कारण यहाँ आप शायद ही लोगों को पाएंगे। वेळास आगर बीच पथरीला है और इसीलिए पानी में खेलने के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ कोई वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी उपलब्ध नहीं है। वेळास आगर बीच के शांत स्वभाव के कारण आप यहाँ सही मायने में एकदम रिलैक्स महसूस करते हैं। यहाँ आप सूर्यास्त का आनंद लेते हुए टहलने का मजा ले सकते हैं। सूर्यास्त के बाद अंधेरा छाने से पहले अब हम बढ़ते हैं राणे बंधु खानावळ। भोजन के मामले में दिव्य आगर में सबसे अच्छी जगहों में से एक राणे बंधु खानावळ मुख्य रूप से थाली प्रणाली में अत्यंत प्रामाणिक स्थानीय कोकणी भोजन परोसता है। इनका मेनू एकदम सरल है, चिकन थाली, मछली थाली और शाकाहारी थाली, सिंपल। राणे बंधु खानावळ के मालिक और कर्मचारी बहुत प्यारे हैं। काफी डिमांड में होने के कारण यहाँ आमतौर पर भीड़ होती है। भीड़ के कारण सेवा कभी कभी धीमी होती है, लेकिन भोजन के स्वाद के सामने ये प्रतीक्षा करना बनता है। स्वादिष्ट खाने के साथ ही ये जेब पर भी काफी हल्का है, एकदम पैसा वसूल। राणे बंधु खानावळ के स्वादिष्ट भोजन का लुफ्त उठाने के बाद अब हम होटल लौटेंगे। कल हम मुंबई लौट जाएंगे तो बैग पैकिंग भी कर लीजिए, नहीं तो कल सुबह हड़बड़ी हो जाएगी।
होटल में नाश्ता कर सुबह 9:30 बजे हम होटल से चेकआउट करेंगे। मुंबई लौटने के पहले हम चलेंगे आदगांव बीच। आदगांव बीच दिवे आगर की उत्तरी दिशा में आदगांव नामक गांव में स्थित है, जो दिवे आगर से करीबन 14 किलोमीटर की दूरी पर है। आदगांव बीच बेहद शांतिपूर्ण और कम भीड़ होने के कारण तरोताजा होने के लिए उम्मीदों पर एकदम खरा उतरता है। वेड़ास आगर बीच जैसे ही आदगांव बीच पर भी वाटर स्पोर्ट्स वगैरह उपलब्ध नहीं है। ज्यादा प्रसिद्ध न होने के कारण आदगांव बीच बहुत साफ और इसकी सुंदरता बरकरार है। आंतरिक शांति खोजने के लिए आदगांव बीच एक उत्कृष्ट स्थान है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, यहाँ का समुद्र थोड़ा गहरा और पथरीला है, इसलिए पानी के अंदर जाने से बचें। आदगांव बीच पर अच्छा खासा समय बिताने के बाद सुबह करीबन 11:30 को हम दिघी बंदर की ओर बढ़ते हैं। दिघी बंदर से आगरदंडा तक फेरी चलती है, जिसमें आप गाड़ी भी चढ़ा सकते हैं। पानी के रास्ते हम दूसरी छोर पर पहुंचते हैं। फेरी के कारण हमारा काफी समय बच जाता है और एक अद्भुत अनुभव भी मिलता है। आगरदंडा पहुंचने के बाद हम उत्तर की दिशा में निकल पड़ेंगे। आगरदंडा जेट्टी से कुछ 5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद करीबन 1:00 बजे हम मुरुड़ जंजीरा के परिसर में प्रवेश करते हैं। मुरुड़ जंजीरा की आइटिनरी में मैंने वहां मौजूद मुझे पसंद आए प्रसिद्ध और स्वादिष्ट रेस्टोरेंट की सूची दे दी है। उसी में से किसी एक को भेंट देकर आप अपना लंच एंजॉय कीजिए। मुरुड़ जंजीरा की आइटिनरी अगर आपने नहीं देखी हो तो ऊपर लिंक दे दी है, जरूर देखिए। बीच और इतिहास के इंटरेस्टिंग संगम के साथ वो एक रोमांचक आइटिनरी है। अगर आपके पास कुछ और दिनों का वक्त है तो आप दिवे आगर के साथ ही मुरुड़ जंजीरा की भी सैर कर सकते हैं। खाना खाने के बाद हम मुंबई की ओर बढ़ेंगे। अगर हम दोपहर करीबन 3:30 बजे तक निकले तो मुंबई रात 8 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ द आइटिनरेटर के संग दिवे आगर की वर्चुअल टूर समाप्त होती है। अब आप असल में जब भी घूमने जाएं तो मुझे आपका अनुभव कमेंट्स कर जरूर बताएं। मुझे पूरा विश्वास है इस आइटिनरी से आपका मजा दुगना होगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपकी अनुमति लेता हूँ। आपके लिए इसी तरह के एक से बढ़कर एक डिटेल्ड आइटिनरी लाता रहूंगा। तब तक मस्त रहे और घूमते रहिए। मिलते हैं अगली आइटिनरी में। बाय बाय।